साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उपचुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। सीटों पर समाजवादी पार्टी के सभी सीटों पर सपा के सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब सभी सीटों पर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के होंगे। कांग्रेस से महागठबंधन रहेगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स होंगे वो समाजवादी पार्टी के रहेंगे। अखिलेश यादव ने बाकायदा ऐलान किया आधी रात को, बात सीट की नहीं है, बात जीत की है। कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि सभी सीटों पर कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के होंगे। तो देखिए, जो लगातार उहापोह वाली स्थिति थी सीट शेयरिंग को लेकर, वो लगभग लगभग कंफर्म हो गई है, क्लियर हो चुकी है। बाकायदा अखिलेश यादव ने इस बात का देर रात एक्स पर ऐलान कर दिया है और सीट शेयरिंग को लेकर जो स्थितियां चल रही थी उस पर सारी चीजें लगभग क्लियर कर दी है। और सपा प्रमुख ने लिखा है कि बात सीट की नहीं बल्कि जीत है और इस रणनीति के तहत ईडी गठबंधन के संयुक्त जो प्रत्याशी होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, रात में अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो आपके सामने पोस्ट है, उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि बात सीट की नहीं है, जीत की है। जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस चुनाव में और एक जीत की नई इबारत लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी रणनीति बनाकर आगे चल रहे हैं। इस अभूतपूर्व चुनाव में लड़ने से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सामने आई है, और आगे भी जीत का परचम हम लहराते रहेंगे। अखिलेश यादव का किया गया ये पूरा पोस्ट आपके सामने है, जिसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन में इस उपचुनाव में जीत की एक नया जो अध्याय है वो हम लिखने जा रहे हैं, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ गई है। बूथ स्तर से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ गई है, और ऐसे में जीत का एक नया अध्याय हम लिखने जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उनके साथ है, भले वो चुनाव में ना हो, चुनाव में उनके कैंडिडेट्स ना हो, लेकिन हम मजबूती से साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। और एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से घिर गया है। संविधान, सौहार्द और पीडीए का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पीडीए की एक बड़ी जीत हुई, उसके बाद उस पीडीए की जीत से जो हिम्मत है वो समाजवादी पार्टी को मिली है। और अखिलेश यादव का किया गया ये जो पोस्ट है आपके सामने है, और बताया ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच फोन पर घंटों बातचीत हुई। राहुल गांधी ने उपचुनाव न लड़ने और सपा को पूरा सहयोग देने का वायदा किया, और अखिलेश यादव ने सहयोग के लिए राहुल गांधी का बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया। समाजवादी पार्टी आज अपने जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनका जो ऐलान है वो कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट है, जहां पर बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते तक नहीं खोले हैं। और इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान इस पूरे पैनल में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ गेस्ट में एसएन सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सुधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, बिल्कुल बच चुका है। मनोज यादव जी, किस तरीके से देख रहे हैं कल रात में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से एक पोस्ट की और उसमें लिखा कि बात सीट की नहीं है, जीत की है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चय ही बात जीत की है, सीट की नहीं है, ये बात बड़ी है। और मेरे ख्याल से किसी गठबंधन में इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो वो सकारात्मक हैं और जीत की ओर अग्रसर करने वाला एक रास्ता है। देखिए, 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें छोड़ रखी थी। आप 9 सीटों पे 3 सीटों का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 35-40% के आसपास वो 1% होता है। तो एक बड़ी हिस्सेदारी हम कांग्रेस को दे रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हैं और उनका फोकस है जहाँ पे सरकार बननी है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन का एलआई है और सत्ता में था, महाराष्ट्र में भी सत्ता में था, लेकिन वहाँ पे किसी तरीके से उनको सत्ता से हटाया गया, जबरदस्ती हटाया गया। तो वो सारी चीज़ों को अगर देखा जाएगा तो कांग्रेस का जो
अपना कॉन्सेंट्रेशन है वो महाराष्ट्र पे और झारखंड पे होगा, और तमाम सारे स्टेट हैं जहाँ पे उनको चुनाव लड़ना होगा, उपचुनाव जहाँ भी होंगे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सीटें नहीं ली, इसके लिए निश्चित तौर पे कांग्रेस की अपनी रणनीति है, और उस रणनीति पे मुझे लगता है कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। और उस रणनीति के द्वारा समाजवादी पार्टी अपने बड़े दिल के साथ, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आपके भी चैनल पे कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं, उनके जैसा नेता उत्तर प्रदेश में देश में नहीं मिलेगा आपको, कि 9 सीटों में भी वो 3 सीटें देने के लिए तैयार है। कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। देखिए, राष्ट्र नेतृत्व की बात होती है, जब राष्ट्र नेतृत्व की बात होती तो जो राज्य की कमेटियां हैं या राज्य की इकाइयां हैं वो वाया उन तक सवाल होगा, और हमारा राष्ट्र नेतृत्व तो बात करता है कांग्रेस के राष्ट्र नेतृत्व से, तो बहुत सारी बातें अजय राज जी को नहीं पता चलेंगी, ये बड़ी बात नहीं है। और अजय राज जी को मैं ये महसूस करता हूँ कि अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करना चाहिए, तब शायद उनको इस तरह का कोई बयान देना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हमारी हरियाणा में बात नहीं हुई अच्छे से, या कमलनाथ जी से जब वो वहाँ के चुनाव हो रहे थे तो वहाँ के नेतृत्व से हमारी बात नहीं हुई, हमको जानकारी। हमारे जिम्मेदारी जो है वो नेतृत्व से बात करने की जहाँ होती है। ठीक है, आपकी बात सुन ली हमने। समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड था, अब 9 की 9 सीटें जहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और वो भरोसा दिला रही कि कांग्रेस साथ है। कांग्रेस पर भी आगे बात होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी से गेस्ट मेरे साथ एसएन सिंह जी जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत है। आप लोगों ने तो बहुत इंतजार करवा लिया आज और कल, अब लग रहा है कि अब आ जाएगी जो लिस्ट है कल, क्योंकि नॉमिनेशन का लास्ट डे है, अंतिम दिन है, तो इतना वक्त लग गया बीजेपी को? नहीं, देखिए, इंतजार का फल मीठा होता है, और ये तो हमने नहीं कहा, ये तो आम कहावत है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चुनाव में विकास के मुद्दे पर जा रही है। हमारे मित्र भी कह रहे थे कि मनोज जी की हम लोग जो है मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, मिलके चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस का बयान क्यों आपके खिलाफ आ रहा था, क्योंकि हमको तो इतनी सीटें चाहिए, नहीं तो इस पे नहीं लड़ेंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा कि गठबंधन तो कभी था ही नहीं, ना विचारों का गठबंधन था, ना दलीय गठबंधन था, ना दिल्ली गठबंधन था। आम चुनाव में भी देखिए, भाई दिल्ली में गठबंधन था, पश्चिम बंगाल में गठबंधन नहीं था, दिल्ली में गठबंधन था, केरल में गठबंधन नहीं था, पंजाब में गठबंधन था, दिल्ली में गठबंधन नहीं था। तो गठबंधन तो कभी नहीं इन लोगों का था ना है, लेकिन एक चीज जरूर करना चाहिए, हालांकि समाजवादी पार्टी किसी के साथ नहीं की, सोनिया गांधी जी को जब प्रधानमंत्री बनना था तभी धोखा देने का कार्य की, ममता बनर्जी को राष्ट्रपति बनने का कार्य था तभी धोखा देने का कार्य की, अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने का था तभी धोखा देने का कार्य की, और बड़ी अच्छी लोकतंत्र है भैया, पूरी दुनिया जानती है कि सारी पार्टियों का अपना अपना निजी उद्देश्य होता है, अपने संविधान होते हैं, लेकिन जिस समय के लिए वो चुनाव एक साथ मिलकर लड़ रहे होते हैं उस समय तो साथ रहते हैं। कभी आपने साथ नहीं देखा होगा, न महाराष्ट्र में देखा होगा कौन सी डिक्लेयर कर लेता। मेरा एक सवाल था, इतनी देरी क्यों लग गई जनाब, इतनी देरी क्यों लग गई आपके यहाँ, क्योंकि पिछली बार तो आप लोगों ने लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, बहुत जल्दी प्रत्याशी फाइनल कर दिए थे, उतार लिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत रणनीति बनाकर बहुत लास्ट में कैंडिडेट उतारे। क्या ये वही वाली रणनीति है पीजे की कार्ड करने की, इस वजह से काफी देरी लगी है, हर चीज आप बहुत संभल कर कदम रखना चाह रहे हैं? स्वाति जी देखिए, हर चुनाव कि अपनी स्ट्रेटजी होती है, वरिष्ठगण उसको तय करते हैं कि किस चुनाव को किस स्ट्रेटजी के साथ लड़ा जाए और आगे बढ़ा जाए। और भारतीय जनता पार्टी अगर देश में उत्तर प्रदेश में भी लगातार जीत रही तो इन्हीं रणनीतियों के नाते जीत रही है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि आप देखेंगे कि हो सकता है कि हम लोग चुनाव पे परिचर्चा कर रहे हैं, इसी दौरान आप सुधा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से, एक बार उनका वर्डिक्ट इस मामले में ले लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। सुधा मिश्रा जी, अखिलेश यादव कहते कि बात सीट की नहीं है बल्कि जीत की है और कांग्रेस साथ में है, हालांकि इससे पहले यह भी देखने को मिला कि नाराजगी देखने को मिली दोनों खेमों के बीच। अजय राय कहते कि उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मनोज यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, बहुत सारी बातें उनको भी नहीं पता होंगी। क्या आप लोग एक दूसरे का सामंजस्य नहीं बनाकर चलते हैं? नहीं नहीं स्वाति जी, देखिए, जब शीर्ष नेतृत्व से बात हो गया और चीजें ये डिसाइडेड हो गई हैं, और अखिलेश जी ने स्वयं कहा है कि हम इसमें सीटों के लिए जीत की जो जीतना है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, मैं हर बार कहती हूँ कि जब कई सारे लोग एक साथ होते हैं, घर में भी होते हैं, तो बहुत लोगों के अलग अलग मतैक्य होते हैं, उसमें इसको इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है किससे किसकी बात नहीं हो रही है, सबके मत अलग अलग हो सकते हैं,
और हमारे अध्यक्ष जी ने सिंपल से जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो चुनाव में है हमें हर हाल में अपने इस 9 की 9 सीटों को जीतना है। आपने अगर सुना होगा उनके जितने बयान आए हमारे अध्यक्ष जी के, उसमें सीधा है कि मैं जीतना है और जीत सुनिश्चित करने के लिए जो बेहतर होगा हम वो करेंगे और हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं और वही होगा, क्योंकि चाहे मीरापुर हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे सिसामऊ हो, चाहे जितने भी सीटें हैं, उन सीटों पे हमारी कुछ मांगे थी नहीं, जो भी हुआ शीर्ष नेतृत्व का जो हमें डिसीजन मिला हम उसके हिसाब से जो बातें हुई उसके बाद जो करना है जो लड़ना है उस पे हम साथ में खड़े हैं और गठबंधन एक साथ सब पर चुनाव लड़ने को तैयार है, तैयारी भी है और हम एक साथ ही हैं। कुछ मतभेद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वाति जी, क्योंकि घर में एक मत के लोग नहीं होते हैं, तो हम कैसे मान लें कि कई पार्टियों के लोग जब गठबंधन में होंगे तो एक मत का हो सकता है, लेकिन हाँ अलग अलग मतों के साथ एक मन के साथ किसी चुनाव में उतरना और जीतने का प्रयास करना यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए हम अपने नेतृत्व की बात को मानते हुए अपने गठबंधन ये बात कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचाएंगे आप लोग, क्योंकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अक्सर देखा जाता है जब चीजें होती हैं बूथ लेवल पर कोई व्यक्ति होता है उस प्रत्याशी को जिताने की पूरी संभव कोशिश करता है, ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनी रहती है, इसको कैसे दूर किया जाएगा? एक छोटे से ऑफिस में कोई मांग नहीं पूरी होती तो वहाँ पे हड़ताल धरना शुरू हो जाता है, कैसी बात है? लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती यही है कि भाई हमारा कोई मन नहीं है तो हम आपस में अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन संगठन का एक होना, शीर्ष नेतृत्व के दिए गए बातों को मानना, जैसे मान लीजिए आज आप डिबेट कर रही हैं, आपका मन नहीं था लेकिन आपके लोगों ने कहा कि नहीं इस टॉपिक पे वो करना है, तो आपको बात माननी होती है और यही एक संगठन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। हमारा गठबंधन भी सभी एक साथ होके जीत सुनिश्चित ठीक है। अब चलिए ठीक है, ये सारी चीजें हैं, 9 सीटें अब बीजेपी पे आज अपने जो प्रत्याशी है वो लगभग आज या कल में फाइनल कर देगी। अब सवाल ये है कि मुद्दे क्या होंगे एसएस सिंह जी इस चुनाव के, क्योंकि योगी जी तो पहले ही कह चुके हैं बटोगे तो कटोगे और इस नारे पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ, तो आगे क्या लगता है कि यही मुद्दा चलेगा या कुछ और मुद्दे जमीन पर होंगे जिस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा? क्या आप बीजेपी से उसके गठबंधन के बारे में बात नहीं करेंगे क्या? उनसे सवाल पूछ लीजिए ना, संजय निषाद हैं। जी जी, उनसे भी पूछा जाएगा। मनोज जी को एंकर बना दीजिए। बता दीजिए, निषाद जी को लेकर भी जो चीजें हैं वो फाइनल नहीं हो पा रही है, निषाद जी भी लगातार 2 सीटों पर अड़े हुए हैं लेकिन आपका जो नेतृत्व है वो देने को तैयार नहीं है, तो बता दीजिए इस पर ही क्या स्थिति है, इसी वजह से लगातार चीजें फाइनल नहीं हो पा रही आपके यहाँ? जी स्वाति जी, घमंडिया गठबंधन को बता दीजिए कि इनका तो कहीं पैक्ट था ही नहीं, इनका तो मुझे लगता है कि अलायंस था ही नहीं। मैंने तो चुनौती देते हुए कहा आम चुनाव में भी अगर बता दें कि इनका कहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाने का कार्य करती, इनको बता दीजिए। कल भारत समाचार के जिम्मेदार रिपोर्टर ने दिल्ली में निषाद पार्टी के सुप्रीमो से पूछा, उन्होंने क्या कहा, हम बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में, बड़े भाई जो तय करेंगे हम लड़ेंगे, लेकिन घमंडिया गठबंधन से पूछिए ना कि भैया इतना शोर क्यों सुनाई दे रहा है, नगाड़े क्यों बज रहे हैं, ढोल क्यों बज रहे हैं आपके दरवाजे पे, महाराष्ट्र के नेता कुछ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, दिल्ली में कुछ कहा जा रहा है। चौथी बात मैं कहूंगा, जानते हैं जनता का बल छल के बल से बड़ा होता है, बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए कहा गया कि जो छल का बल था ना, हिंदुओं को जातियों में बांटिए, पूछिए कभी मुसलमानों की जातियां पूछे थे क्या, न कांग्रेस के लोगों ने मुसलमानों की जाति पूछी, न समाजवादी पार्टी के लोगों ने जातियां पूछी, हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, मुसलमान को इकट्ठा कर लीजिए, जाति की दीवार को धर्म से ऊपर कर लीजिए, बंटवारे की राजनीति कर लीजिए, 50 झूठी बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, ऐसा सिंह चलने वाला नहीं है। सब लोगों ने देखा जो मेरे ख्याल से नहीं कहनी चाहिए थी डिबेट में, रुक जाइए भाई, हो गया, पारदर्शी सरकार चल रही है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता, आप एंकरिंग नहीं करेंगे? अरे एंकरिंग नहीं, बात रखने दीजिए, एंकर ने मुझसे सवाल पूछ लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कभी आप लोगों के सामने ऐसी शुरुआत शब्दों की नहीं करता, लेकिन चूंकि आप लोग शुरू करोगे फिर मनोज यादव को बाइकॉट करोगे, अभी घमंडिया का इस डिबेट में इसकी जरूरत नहीं थी। तो शुरुआत सुन लो असन सिंह, दो कौड़िया गठबंधन, चुप रहो, कात में रह के बात किया करो, इस तरह की बात करोगे तो फिर अभी जवाब देना शुरू कर दूंगा। हाँ, दो कौड़िया गठबंधन जो है ना, दो कौड़ी का गठबंधन जो है एनडीए, वो कम से कम हमको ना दिखाया करे, नकार दिया, ठीक है, जनता अब बीच में कब कुत्ते की तरह अपना शुरू कर दिया सुबह सुबह। आराम से सहूलियत से अपनी बात रखिए और देखिए प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, इस तरह की नहीं बोले जाएंगे, नहीं नहीं कोई भी बोला,
चाहे आप हो चाहे वो आदमी कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। व्यभिचारी आदमी, व्यभिचारी कौन? कुलदीप सेंगर था क्या? भाई है तुम्हारा ना? अरे चुनाव पर बात कीजिए, चुनाव पर चर्चा चल रही है। अयोध्या में महिला भी थी, एक कुलदीप सेंगर व्यभिचारी, प्रदेश की जनता ने देखा है, ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए लगातार, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें आप लोग। आराम आराम से अपनी बात रखिए। चाहते हो अभी उतार देंगे दो मिनट में, काट में आओ। जासूस है, लड़कियों की जासूसी कराने वाले, समझते हैं ना? जनता ने तुम्हें औकात में दिया, तुम्हें ना कहा करो। सुधा मिश्रा जी, सुधा मिश्रा जी, भाषा सीखो, अपने भाषा की आपकी विनम्रता, भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए सुधा जी, कम से कम भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि चुनाव पर चर्चा चल रही है, प्रदेश से जुड़ा मुद्दा है ये जी। हम कह रहे हैं इनके गठबंधन के लोगों की सीटें क्यों नहीं क्लियर हुई? ठीक है, बीजेपी अभी तक किसी नतीजे में नहीं पहुंच पाई सुधा जी। ठीक है, आ रहे हैं आप लोगों के पास, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। सुधा मिश्रा जी, ओम प्रकाश राजभर को कौन सीटें देगा? अनुप्रिया पटेल सुधा जी देगा, उस पर कब बातें होंगी? सवाल प्रत्याशी क्लियर होंगे जी। सवाल फिर से पूछ लीजिए मैम एक बार। सुधा जी, यही सवाल है कि बीजेपी किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाई है, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों नहीं पहुंच पाई है? संजय निषाद वाला मैटर लगातार उठ रहा है। देखिए, जब अपने घर को छोड़ के हम दूसरों के घरों में ताक झांक करते हैं और अपनी समस्याओं को दूर करना छोड़ देते हैं, तो यही समस्या आती है। आपको दूसरे गठबंधन में आके बात करनी है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है उसके बारे में न तो डिस्कशन करना है, क्योंकि इनके यहाँ क्या है, दिक्कत एक बात की नहीं है, कई दिक्कतें हैं। इनके यहाँ एक व्यक्ति की सुनी जाती है, वो व्यक्ति जो कहेगा वही होगा, और वो व्यक्ति इस देश को रोज न कहीं ना कहीं, आप देखिए, चाहे संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी हो, चाहे माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हो, आप जब भी इनकी बातों को सुनेंगे, हिंदू मुस्लिम लोग न लाए तो इनकी बात पूरी ही नहीं होती है। 80-20 से लेके कटना और बटने से लेके दिक्कत इस बात की है, बहराइच का जिस तरह से इन्होंने कुचक्र रचा है, और जिस तरह से दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो जो पुलिस ने जिनको पकड़ा है, ये बयां कर रहा है कि इनका हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे इस देश को बांटने में उतारू है। तो अपनी चीजों को देखेंगे नहीं, ये जानबूझ के हमारे गठबंधन का, इनको इंडिया बोलने में शर्म आती है, ये जानबूझ के ऐसी बातों को लाएंगे जिन बातों से न जनता का कोई लेना देना है। तो जनता पर छोड़ दीजिए ना सुधा जी, ये सारे मसले जो मान लीजिए किसी दल ने करवाए भी है या किसी पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए ना। पिछले बार चुनाव में देखा गया कि क्या हुआ, ये बताइए स्वाति जी। स्वाति जी, जनता पे नहीं, पुलिस अगर गिरफ्तारी कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, तो कैसे जनता पे? जनता ने नहीं किया है ना, जनता तो बहुत ही लूटी पीटी महसूस कर रही है। सुबह सुबह बड़ी बात कही गई, ये देखिए व्यभिचार उत्तर प्रदेश में सड़कों पे कैसे हो रहा है, अयोध्या की सड़कों पे, गुप्तार घाट पे बाबा लोग व्यभिचार कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, आम परिवार के लोगों का निकलना मुश्किल है। सुनिए, समझ में आ गया ना एसएन सिंह, व्यभिचार किसे कहते हैं? परिभाषा सुबह सुबह पूछ रहे थे ना, बता दिया ना, राम राज की स्थापना करने आए थे, व्यभिचार राज जो व्यभिचार किया वो नहीं दिख रहा था, और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की 9 सीटों पे बीजेपी खाने चक्के की राम राज्य की स्थापना करने आप लोग आए थे, और इन्होंने एक शब्द कहा वो मैं नहीं करूंगी, कहूंगी यहाँ पर कि वो उस राज्य की स्थापना हो गई है, और बाकायदा वीडियो भी दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? स्वाति जी जानते हैं, समाजवादी पार्टी को एक शिक्षा देना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के ही नेता अगर दुष्कर्म करते हैं, चाहे वो अयोध्या में करें चाहे कन्नौज में करें, तो बड़ी पारदर्शिता से समाजवादी पार्टी को पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए, दुष्कर्मी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता को शिक्षा देना चाहिए कि भाई इनके सहयोगी जो महाराष्ट्र में हो, इनके विपरीत विचारधारा वाले इनके खिलाफ न बोले, भारतीय जनता पार्टी क्यों चर्चा करेगी? हरियाणा में इनके ही सहयोगी इनके खिलाफ बोल रहे थे, वो न बोले, भारतीय जनता पार्टी क्यों बोलेंगे? चौथी बात कहूंगा, इनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो दरवाजे पे खड़े होके जंगले से झरोखे से देखेंगे, तो निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि कांग्रेस के लोग वो दलित हो, आपको नहीं मालूम है, राहुल गांधी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री किस महिला के साथ पकड़े गए थे? मालूम है ना, व्यभिचार राज्य स्थापित करने वाले, चाहूंगा
कि आदरणीय बात भाइयों कम से कम ये तो लो कि हमेशा विचार का राज स्थापित कर दिया है देश में अपराधी के साथ कर रहे हैं। उपमुख्यमंत्री रशियन के साथ पकड़ा जाता है, बाराबंकी का सांसद भैया के साथ वीडियो वायरल होता है। आप बताओ आदरणीय हमारी पार्टी को सुबह सुबह के बारे में भी अमर सिंह ने बताया था, क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों चीजों को खुलवाना चाहते हैं? आदरणीय मुलायम सिंह जी के बारे में भी अमर सिंह ने बताया था, जिस पार्टी का चरित्र यही रहा, गायत्री प्रजापति का चरित्र यही रहा, जनता के काम करने के लिए जा रहे थे, तैयारी और व्यवचारी करने के लिए जा रहे हैं। प्रदेश की जनता क्यों रखा रहा, बिल्कुल जनता के बीच में कहा जा रहा है। देखिए मनोज यादव जी, एसएन सिंह जी भी कहते हैं कि शब्द का जवाब वही दे रहा हूं जो कहना है, बहराइच की बात होगी क्योंकि बहराइच में जो हिंसा हुई है, एसएन सिंह जी आप पीछे नहीं मुड़ सकते, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे और कई गंभीर आरोप लगे हैं। इनके बीजेपी के लोग इनके विधायक को मारना चाहते हैं, ये देखिए सवाल क्या कहा जाएगा, ऐसे विधायक ने एफआईआर करवाई है, दुष्कर्म हुए। ठीक है, ये जो घटनाएं घटित हुई हैं, आपको लगता है कि उपचुनाव में इन मुद्दों का इंपैक्ट पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या बीजेपी को पर्टिकुलर नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आरोप इनकी पार्टी पर भी लगे हैं और आपके भी कई नेताओं पर इस तरह के आरोप लगे हैं, बातें सामने आई हैं, क्या कहेंगे? कोई भी अछूता नहीं है जी। स्वाति जी, बल और बल की दिशा ही बता देती है कि परिणाम क्या आएंगे। ये लोग महिलाओं की बात कर रहे थे लेकिन पीड़िता थी और पीडीए की भी थी, जब उसके साथ अयोध्या में दुष्कर्म हुआ तो आदरणीय अखिलेश यादव जी मुस्लिम के साथ खड़े हो गए, कन्नौज में यादव के साथ खड़े हो गए और बहराइच में मुस्लिम के साथ खड़े हो गए। निश्चित तौर पे लोग देखेंगे कि ये कहते कुछ और है करते कुछ और है, बात पीडीए की करते हैं भाई, पीडीए की संपूर्ण आत्मा केवल अखिलेश यादव के परिवार में समाई है क्या, कि जब सरकार में रहेंगे तो 28 मंत्री संतरी हो जाएंगे और सरकार में नहीं रहेंगे तब भी चाचा और चाचा के लड़के को विधायक सांसद बनाएंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री पीडीए समाज से नहीं आते हैं? क्या देश की राष्ट्रपति पीडीए समाज से नहीं आती हैं? लेकिन इनको पीडीए से नहीं मतलब है, इनको अल्पसंख्यक से मतलब, इस नाते हम कह रहे हैं कि न हम बटेंगे न कटेंगे न घटेंगे। ये देख लीजिएगा, अगर हम एक रहे तो जनता का बल छल के बल से बड़ा होता है और जनता का बल जीतेगा, छल का बल हार। देखिए एक लाइन में यहाँ पर क्लियर जरूर कर दूं कि प्लीज आप लोग विषयांतर मत होइए और अपने शब्दों की मर्यादा, क्योंकि ये चुनावी अखाड़ा नहीं है, चुनावी मंच नहीं है, भाषा का प्रयोग प्लीज कीजिए। भारत समाचार के दर्शक है, डिग्निटी जरूर दिखाइए। स्वाति जी एक बड़ी बात कह दी कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। हमारा देश, हमारा संविधान, हमारा लोकतांत्रिक ढांचा ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता और वहां पे कहीं इसका स्थान नहीं। किससे बटने की बात करूं, हमारे संविधान में सबको बराबरी का दर्जा है, कोई ऐसी जाति धर्म वर्ग के लोग ही नहीं है जिनसे हमारा बराबरी है या हमसे गैर बराबरी की बात कही गई हो। तो आप लोग गैर संवैधानिक बात करते हैं और ये बात कह के आप इस देश की पूरी व्यवस्था को पूरी दुनिया में शर्मसार करने के लिए कहते हैं कि भारत को आप किस तरह बनाना चाहते हैं, नाइजीरिया की तरह आप किस तरह बनाना चाहते हैं, उन देशों की तरह जहां आतंकवाद पनपता है, जहां पे एक धर्म दूसरे धर्म पे झगड़ा करते हैं, कर रहे उस तरह आप करना चाहते हैं? तो कटेंगे का तात्पर्य क्या है सर, समझा दीजिए, समझा दीजिए, एसएन जी समझा दीजिए, किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? जो भारत के सिद्धांतों को नहीं मानता है, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानता है, सिद्धांत नहीं संविधान है, संविधान है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत? हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारी संस्कृति, हमारा वेद सब कहता है कि एक होकर रहना चाहिए। भाई आप बताइए, हम बटे तभी तो मुगलों से कटे, हम बटे तभी तो अंग्रेजों से कटे। 250 घुड़सवार लेकर 1191 एक व्यक्ति आता है और हमारे पे राज करने लगता है, 1400 में बाबर आता है वो हमारे पे राज करने लगता है। लेकिन मैं तो कहूंगा उसको छोड़ दीजिए, हम बटे तभी तो कश्मीर में कटे, हम बटे तभी तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके एक दिन पहले तक सारे लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते थे। इस नाते हम कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। और चौथी बात मैं कहूंगा, कुछ लोग कहेंगे कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह बनना कबूलता हूँ, ये ठीक है,
लेकिन देश के मुसलमानों से बीजेपी को नफरत है इनके राष्ट्र। और जब विदेश में जाते हैं तो शेखों के साथ बैठ के मिठाई खाते हैं। ठीक है, उनका एक सवाल है कि आपका नारा है सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन उनका विश्वास तो आप लोग कभी जीत नहीं पाए हैं और ऊपर से इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं। आप देखिए स्वाति जी, देखिए सबके लिए सड़क, स्वाति जी बिजली सबके लिए, पानी सबके लिए, सड़क सबके लिए, शिक्षा सबके लिए, सुरक्षा सबके लिए, स्वास्थ्य सबके लिए, लेकिन जो स्पेशल राइट था ना, स्पेशल प्रोटेक्शन था कि नहीं इन्हीं की शिक्षा पे छूट रहेगा, इन्हीं की धार्मिक यात्रा पे छूट रहेगा, यही जो कहेंगे, यही जो करेंगे, यही जो खिला दें, यही जो पिला दें, यही जो गला काट दें, वो हम नहीं करते हैं। आप बताइए कोई ऐसी योजना है जिसमें इस तरह की बात हो, गैर संवैधानिक बात हो? सुधा मिश्रा को लेंगे। सुधा मिश्रा जी, दरअसल इस वक्त कांग्रेस के एक सांसद इमरान मसूद जो है, उनका भी एक जो विवादित बयान है लगभग 10 साल पहले दिया गया, वो भी काफी विवादों में घिरा हुआ है। कल इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई थी, उनकी सांसदी तक जा सकती, क्योंकि कोई दल अछूता नहीं है विवादित बयानों से, चाहे आपकी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, हर एक पार्टी में ऐसे नेता मिल जाएंगे, बयान बहादुर मिल जाएंगे। क्या कहेंगी सुधा मिश्रा जी? नहीं बयान बहादुर का मिलना उन पे पार्टी क्या एक्ट करती है? बोटी बोटी वाला बयान आपको याद होगा सुधा मिश्रा जी? नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं सिंपल सी बात है, आज क्या हो रहा है ना, मैं ना मुगल में जाऊंगी, न मैं अंग्रेज में जाऊंगी, न मैं इसके पहले जाऊंगी। आज जो हो रहा है उसकी बात का जवाब देना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, जवाबदेही बनती है। हम वो लोग नहीं है जो भूतकाल में जाए और भविष्य में रहे। अरे वर्तमान में रहकर कोई हिम्मत करके दिखाए, वर्तमान में जो हो रहा है उसकी उत्तरदायित्व कौन करेगा? अरे बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पुरानी बात है सुधा मिश्रा जी, 10 साल पुरानी बात है, लोकसभा चुनाव 2014 का याद रहा होगा आपको। अरे मैं सुन लीजिए, हाँ हाँ, जो संविधान के तहत होगा वो होगा, अगर जिसने गलत किया वो होगा। इस देश में गलत को, अपराधी को सजा मिलने के लिए किसने मना किया है? किस पार्टी ने कहा कि नहीं, अगर कोई गलत काम करता हो या किसी ने ऐसा कुछ कहा हो? मैं पूछना चाहूंगी, इसके पहले संसद के अंदर, संसद के बाहर कितने नेताओं ने भाजपा की बात की है? करोड़ों की गर्लफ्रेंड की बात की जाए, अगर जर्सी गाय की बात की जाए, अगर कांग्रेस की विधवा की बात की जाए, ऐसे न जाने कितने अनगिनत बयानों की आप बात करेंगी, उस पर प्रश्न कौन करेगा? चलिए ठीक है, उसको हटा देते हैं, विवादित बयानों को हटा देते हैं लोगों का। लेकिन और राज्यों में भी सीट शेयरिंग को लेकर बात बन नहीं पा रही है, बार बार एसएन सिंह जी सवाल उठा दे रहे हैं आप लोगों के गठबंधन पर। स्वाति जी, जी स्वाति जी, बहुत आसान है कि जो विपक्ष में बैठा हो सारी जवाबदेही उसकी तय की जाए, लेकिन जिसका कर्तव्य है, जिसको संविधान ने अधिकार दिया है, उसकी कोई जवाबदेही तय ना हो। जवाबदेही अगर मैं घर के, अपने घर को चलाती हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है। ठीक है, एसएन सिंह जी इस पर जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मनोज यादव जी। एसएन सिंह जी जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए। सवाल पूछा, आप किस बात का लेकर पहले बात पूछिए। ठीक है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा सर। सुधा जी 10 सेकंड, सुधा जी ने 3 सवाल पूछा और मैं बेबाकी से उस पर जवाब देता हूँ, इतर उत्तर की बात नहीं करूँ। उत्तर प्रदेश में आपका सूर्य डूबे बहुत दिन हो गया, उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं हो सकती है। आपकी सरकार कर्नाटक में और हिमाचल में दोनों जगह देखी। आपने एक चीज कहा कि हम जो है वो किसानों के विरोधी हैं, केवल दिल्ली में विरोधी हैं, कर्नाटक में नहीं है, जहां 1200 किसान खुदकशी कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं हम संविधान के विरोधी और संविधान के विरोधी कौन है? दलितों के विकास के लिए पैसा गया था, देश को बांटा जा रहा है, आपने मुस्लिम धर्म के विकास पे लगाने का काम किया, भाषाई मर्यादा से लेकर जिस तरह का ठीक है। ठीक है, ये बात कही साथी जी की मुगलों के समय में और ब्रिटिश के समय में, कौन पेंशन ले रहा था? कौन पेंशन ले रहा था? चुनावों में मुगलों का जिक्र और इस तरह की बातें करने का क्या? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से, कौन पेंशन लेता ले रहा था अंग्रेजों से? कौन अंग्रेजों की दलाली कर रहा था? उसका नाम बताइए ना, के लिए कौन लड़ रहा था? कौन 60 रुपए पेंशन ले रहा था महीने की? अंग्रेज आरएसएस को ले रही थी, आरएसएस के लोग ही थे, क्यों बट गए भैया? किसने कहा था बट कौन लड़ता है? कौन भगवान राम के मंदिर बोला था कि आप बट जाओ, के आप फतिया पड़ जाता है और बटने की वजह से 200 साल गुलाम रहे? कौन नहीं देखता है कि वो अंग्रेजों की चाटू काटा कर रहे थे, दलाली कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे और फिर आज ज्ञान प्रसार रहे? पूरी जनता जान रही है कि अपने ही विधायक को मरवाना चाहते हो, अपने ही विधायक को मिटवाते हो और इसके बाद उत्तर प्रदेश को अस्थिर बनाते हो और नौकरी चाहिए? अभी तक प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाए, इसका छोटा सा संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। अभी तक प्रत्याशी फाइनल ना कर पाने की वजह जल्दी से, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है खत्म समाप्ति की ओर। जी एस एन सिंह जी, जो शुरुआत में सवाल पूछा गया कि इतनी देरी क्यों? स्वाति जी मैं दोबारा आपको ये कह रहा हूँ कि बड़ा जिम्मेदार चैनल भारत समाचार, भारत समाचार के माध्यम से ही अभी कुछ क्षणों में, कुछ घंटे में
लिस्ट आ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी की तरह कहें कि नहीं अब हम चुनाव में ही नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने संपूर्ण सहयोगियों के साथ अच्छे उनका कहना है कि कुछ क्षणों में आ जाएगी। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, इंतजार उन्होंने करवाया लेकिन फल इसका मीठा होगा। सुधा मिश्रा जी जल्दी से। नहीं नहीं बिल्कुल, 10 सीटों पे चुनाव होना था, 9 पे हो रहा है, वो भी इनके नाम उतारने में इतना टाइम लग गया, तो कितना मीठा कितना खट्टा कितना नमकीन समझ में आ रहा है। कहना बड़ा आसान है, इतना मीठा होता तो कब का लिस्ट आ गई होती। 9-10 सीट पे चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन करने वाले लोग। मिल्कीपुर का भी जिक्र कर दें यहाँ पर, मनोज यादव एक छोटा सा कमेंट इस पर। मिल्कीपुर में अभी तक उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है, क्या लगता है? नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ हारने के बाद बीजेपी नस्तोनाबूद हो जाती है उत्तर प्रदेश में, खत्म। क्योंकि सांसद का चुनाव जब अयोध्या हारी थी तब इतनी फजीहत हो गई, मान लो प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, इसलिए थोड़ा बच गए। और इस बार हारने के बाद पूरे देश दुनिया में पता चला था कि बीजेपी भ्रष्टाचार की जननी है, इसी वजह से जनता उसको नहीं रहने देना चाहती है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त नहीं है इस चर्चा को और आगे बढ़ा पाना। और देखिए जिस तरीके से चीजें निकल कर आई हैं, 9 सीटों पर उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और सभी पार्टियां जोरदार रणनीति के साथ आगे चुनाव पर उतरने की बात कर रही है, जहां पर बीजेपी की लिस्ट आने का इंतजार है। और ये माना जा रहा है कि कुछ क्षणों में ही ये जो लिस्ट है वो आने जा रही है। हालांकि सभी दल चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी जहां पर पीडीए की काट को ढूंढती हुई नजर आ रही है, 9 सीटों का जो रण है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस चर्चा में भारत समाचार के साथ। बढ़ते आगे